जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू है। वोटिंग शुरू होते ही जनपद के चारों विधायकों ने वोटिंग की। जिला पंचायत कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 11 बजे तक 80% वोटिंग हुई। जिला पंचायत भवन में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर जनपद के चारों विधायकों ने वोटिंग की है और जनपद के सातों ब्लॉकों नगर पालिका परिषद फरुखाबाद कार्यालय जिला पंचायत भवन में वोटिंग जारी है और विधान परिषद चुनाव के लिए जनपद में बनाए गए 9 मतदान केंद्र हैं। प्रशासन की तरफ से विधान परिषद चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी तक विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से सफाई ने दूरी बनाई है। तर्क क्या है इसके पीछे? क्या तर्क है जीत के पीछे? हाँ, जीत के पीछे तर्क है जो हमारी सरकार की लोकप्रियता है, जो हमारी सरकार का सुशासन है, जो जनता की आस्था विश्वास हमारे नेतृत्व में है और जो जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने साफ छवि के लोकप्रिय प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, इसलिए जितने भी हमारे वोटर्स हैं सब भारतीय जनता पार्टी के फैशन को बोलते हैं। भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये तो जनता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हर चुनाव में भाजपा बढ़त हासिल कर रही है और आने वाले समय में हासिल ही नहीं करती रहेगी बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। नरेंद्र जी, एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं आप निर्दलीय के तौर पर, क्या उम्मीद है इस चुनाव में? चुनाव बढ़िया है, सही है, अच्छा लड़ रहे हैं। कैसी क्या वोटिंग हो रही है? वोटिंग बढ़िया हो रही है, सही हो रही है। आप सही शांतिपूर्वक हो रहा है, इलेक्शन सही हो रहा है। चार जिलों में लंबा क्षेत्र है। हाँ, काफी लंबा है ये। तो चारों जिलों में आप प्रचार कर पाए? हाँ, प्रचार चारों जिलों में चला हुआ। क्या उम्मीद है, कितने क्या वोट मिलेंगे, जीतेंगे? उम्मीद तो मान लो जीतन की पूरी है और फिर मान लो काफी फिर वोटरों के ऊपर कहाँ क्या जाता है, लेकिन मांगने के हिसाब से तो मेरी उम्मीद पूरी है। हर बूथ पे यानी कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, कोई बूथ ऐसा नहीं छूटा जिसमें, ऐसा कोई बूथ नहीं जा रहा है। एजेंट नहीं, जीत तो पक्की है, उसमें क्या आईडी?